अपने किचन में चल रहे हैं इस तरह से देख रहे हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो गर्मा गर्मा ब्रेड पकौड़ा इस तरह से कैसे आप आसान तरीके से बना सकते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज संजय के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितनी माता ने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, बगल में लाल घंटी उसको जरूर दबाएं, जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। जैसे कि देखते हैं बरसात के मौसम में ब्रेड पकौड़ा जैसे हुआ, टिक्की हुआ, घाटी हुआ, सब लोग बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, अब सभी लोग का मन भी करता है। तो चलिए आज ब्रेड पकौड़ा एक नए तरीके से बनाएंगे, हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना आप लोग मत भूलिए, बिल्कुल लाइक करके जाइए। वीडियो देखते देखते आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमने बेसन एक कटोरी ले लिए हैं। बेसन लेने के बाद यहाँ पे आधे केजी आलू उबले कर लिए हैं। ब्रेड पकौड़े की मसाला हमने आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लहसुन के छिलके उतार लिए हैं, एक मिर्ची काटे हैं, जीरा तड़के के लिए लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला एक चम्मच, आधे चम्मच चाट मसाला, आप नींबू भी डाल सकते हैं, आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, हल्दी पाउडर आधे चम्मच, एक प्याज को बिल्कुल छोटे साइज में काट लिए हैं। उसके बाद ही चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई को, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल, लहसुन मिर्ची को हम अच्छे से खबट्टे में दरबे कूट लेंगे। आप लोग लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे जीरा को, इधर जीरा हमारा चटक रहा है, यहीं पे डालेंगे। जीरा चटकने के बाद से हम प्याज को, प्याज को हल्के से भुनेंगे इसमें हम। इन दोनों को अच्छे से खलबट्टे में हम दरवे कूट लेंगे। अब इसे साथ में हम लहसुन को और मिर्ची को डाल दे रहे हैं। यहाँ पे आप एक छोटी टुकड़ा अदरक भी कूट के डाल सकते हैं, क्योंकि अदरक हम नहीं लिए हैं यहाँ पे। यहीं पे डालेंगे हींग को, अब यहीं भी डालेंगे मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, मसाला डाल के इसमें मीडियम आंच पे भुनेंगे। देख रहे हैं मीडियम आंच किया है बिल्कुल। यहीं पे डालेंगे देख रहे हैं हम नमक स्वाद के अनुसार से, मिर्ची जैसे कम तीखी आप खाते हो उस तरह से डाल सकते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं आलू को हाथ से मसल लेंगे इसमें। अब यही में आलू को हम डाल देंगे, अब इसी में हम डाल के अच्छे से मिलाएंगे चोखा को। तो मसाले हमारा तैयार है, तो यहीं पे हम डाल दे रहे हैं, देख रहे हैं धनिया पत्ती ऊपर से। अब इसमें देख रहे हैं कि हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पे हल्दी पाउडर, इसे कलर हमारा ब्रेड पकौड़ा का बहुत काफी अच्छा आता है। अब यही पे डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक, हम कम डालेंगे क्योंकि चोखे में नमक डाले हैं। अब यही पे डालेंगे दो चम्मच हम रिफाइंड तेल, इससे जो रहता है हमारे ब्रेड पकौड़ा बहुत कुरकुरे बनता है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसको अच्छे से हम, तो जैसे देख रहे हैं कि एक कटोरा बेसन है आपका, तो एक कटोरा पानी बस आप डालिए। तो यहाँ पे हम पानी लिए हैं,
अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे, जाके एक भी गुटकिया इसमें मत रह जाए। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमको घोल चाहिए इसका। इधर गैस को जला लिया है, कढ़ाई इस पे रख रहे हैं। आप छोटे ब्रेड पैकेट का हो चाहे बड़े वाला ले सकते हैं। छोटे वाला ब्रेड से बहुत अच्छा बनता है ब्रेड पकौड़ा। अब यहाँ पे देखिए ब्रेड को हमने ले लिए हैं, तो ब्रेड को एक साइड में ऐसे कर दे रहे हैं। इसके बाद चाकू से एक बार में हम काट ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए इतने सारे ब्रेड हमारा कट के तैयार हैं। अब इसके बाद इसमें चोखे लगाएंगे हम। तो इस तरह से देखिए चोखे लगा रहे हैं, अच्छे से इसको हम फैला दे रहे हैं। इस पे एक एक ब्रेड करके इस तरह से लगाते जाएंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सारे ब्रेड को हमने इस तरह से लगा रहे हैं। अब इधर हमारा करिया गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल। आप सरसों के भी तेल में बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ब्रेड पकौड़े में हम लगा रहे हैं। तो जहाँ पर जगह खाली है वहीं पे डालेंगे। दूर दूर थोड़ा डालना चाहिए, नहीं तो चिपक जाता है, तो फिर भी गर्म तेल में छूट जाता है। दोस्तों जैसे देखते हैं मार्केट में कितने सारे दिन के तेल रहता है। 10 दिन का तेल रहेगा तभी ढक के सब लोग रख देते हैं, उसी में बनाते हैं ब्रेड पकौड़े हुए चाहे टिक्की हुआ घाटी हुआ। और थोड़े से वो लोग तीखे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो हम लोग को बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है खाते हैं। तो मार्केट में वही खाना चाहिए। इस तरह से घर पे बना के आसान तरीका से, बहुत आसान तरीका है बनाना। अब मात्र 5 मिनट में आप लोग बना के इस तरह से टिक्की हो घाटी हो ब्रेड पकौड़े हो खा सकते हैं आप लोग। इसको मीडियम आंच पे पहले हम पकाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से ब्रेड पकौड़ा को हम पलट ले रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा को आप कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कि हम कलर नहीं डाले हैं बिल्कुल। इसमें कलर वाला ब्रेड पकौड़ा हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी नहीं लगता है, खाने भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कितने कुरकुरे पकौड़ा हमारा ब्रेड बन रहा है। अब यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा को हम निकाल ले रहे हैं। देखिए कितने काफी अच्छा ब्रेड पकौड़ा हमारा फुला फुला हुआ है। इधर फिर दूसरा ब्रेड पकौड़ा इसी तरह से हम बनाएंगे। तो सारे ब्रेड पकौड़ा इसी तरह से हम बनाएंगे। जहां पर जगह खाली था वहां तुरंत इस तरह से डाल देना चाहिए। तो ब्रेड पकौड़ा को हम निकाल ले रहे हैं। अब इसी में मिर्ची डाल के भून लेंगे। तो मिर्ची को हम फाड़ कर रख रहे हैं बीच में से। इसको मिर्ची को दो भाग किए हैं, आप लोग देख सकते हैं मिर्ची को इस तरह से बीच में से फाड़े हैं। मिर्ची को कभी खड़ा नहीं डालना चाहिए तेल के अंदर, नहीं तो जैसे देखते हैं छटक के बहुत तेज से छटकता है पहले, तो जल जाने का डर रहता है, जल जाता है सब लोग। अब यहाँ पे मिर्ची हमारा भुना गया है, तो इसको निकाल ले रहे हैं। मिर्ची में काला नमक नींबू आपको जरूर मिलाना चाहिए, बहुत काफी अच्छा लगता है इससे। चावल काटा डालना। तो ब्रेड पकौड़ा देखिए हमारा सारा बन गया, यहाँ पे तैयार हो गया है।
अब साक्षी के पापा दुकान पर लेके जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे कुछ लोग बैठे भी रहते हैं तो पापा कोई भी चीज खाते हैं तो उन लोग को भी बुलाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। तभी ब्रेड पकौड़ा लेके जा रहे हैं, उसके बाद हम टिक्की बनाएंगे क्योंकि बच्चों को टिक्की ज्यादा पसंद है और श्याम सुंदर को ब्रेड पकौड़ा पसंद है। यहाँ पे देखिए बन के तैयार है। तो वीडियो हमारा कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।